सांसद जयंत सिन्हा रविवार को पतरातू प्रखंड के भूरकुंडा पहुंचे। लोगों ने पानी और बिजली की समस्या से अपने सांसद को अवगत कराया। लोगों की समस्याओं को सुनकर सांसद जयंत सिन्हा ने सीसीएल प्रबंधन से तुरंत बात की तथा सीसीएल प्रबंधन को अविलंब पानी की सप्लाई शुरू करने का आदेश दिया। मौके पर श्री सिन्हा ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार की लचर व्यवस्था एवं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सांसद ने क्षेत्र को कई अन्य योजनाएं प्रदान करने हेतु लोगों को आश्वस्त किया। कहा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और रहूंगा। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। इसी प्रकार से हम लोग निरंतर हर पंचायत में कार्यक्रम करते हैं। अभी तो आचार संहिता लागू थी क्योंकि पंचायत के चुनाव चल रहे थे, जिला पार्षद के चुनाव चल रहे थे, इसलिए हम लोग ने ये कार्यक्रम को रोका हुआ था क्योंकि आचार संहिता लागू थी। लेकिन जैसे आचार संहिता समाप्त हुई और फिर एक बार हम लोगों को मौका मिला, जो हम पूरे वर्ष कोविड के बीच थोड़ा हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन पूरे वर्ष साल भर जो इस काम में हम लोग लगे रहते हैं, वो पंचायत टू पंचायत हम लोगों का कार्यक्रम रहता है कि हर पंचायत में जाकर जनता के साथ रूबरू हो, जन संवाद हो, क्या समस्याएं हैं इनका हम लोग जानकारी भी लें और जिनको जल्द से जल्द इनका निवारण कर सकते हैं उसका निवारण ऑन द स्पॉट करें। और अभी जीएम साहब और सीएसआर जीएम को फोन किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। तो सेवा भाव से हम लोग लगे हुए हैं साथियों, हम लोग जुटे हुए हैं आपकी सेवा में, आपके समस्याओं को समझने के लिए और उनका जल्द से जल्द उनका समाधान करने के लिए साथियों। ये हो गई है, वो है अक्षय पात्रा। अक्षय पात्रा के द्वारा एक बहुत विशाल रसोई घर रामगढ़ में बन रहा है, हजारीबाग में लगभग समाप्त हो गया, काम हो गया इसका। वैसे ही हमने सीसीएल से बोलकर 24 करोड़ का अक्षय पात्रा का रसोई घर हम बनवा रहे हैं। इसके द्वारा 50,000 बच्चों को मिड डे मील, रोज के भोजन के लिए बहुत ही पौष्टिक और बढ़िया खाना मिलता रहेगा। ये खाना आज के दिन सिर्फ ये काम इसका फायदा हम लोगों को नहीं होगा, हम लोगों को दशकों इसका फायदा होगा और बच्चों को पौष्टिक खाना मिलेगा। यहीं के किसान के हम लोग अनाज से सब्जी से हम लोग उनको पौष्टिक भोजन देंगे। अक्षय पात्रा बहुत ही एक बेहतर एक एनजीओ है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको बहुत मानते हैं। मेरी खुद प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है अक्षय पात्रा के बारे में, वो बनारस में भी अक्षय पात्रा के यहाँ जा रहे हैं। तो साथियों वो भी हमें बहुत बड़ी एक देन मिली है, ये भी बताना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू मस्त और जनता त्रस्त, हेमंत बाबू मस्त लेकिन जनता त्रस्त, पर होंगे हेमंत जी ध्वस्त क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, जनता उनको उखाड़ कर फेंकने वाली है। ये इनकी खेल जो इनका चल रहा है ये नहीं चलने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को मानिएगा, आप अपना सहयोग दीजिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी टीम यहाँ पूरी टीम आपके लिए मौजूद है, हम लोग मेहनत करते रहेंगे। जहां जहां केंद्र की संस्थाएं हैं जैसे सीसीएल है, काम साथियों इन तीन नंबरों के द्वारा आप अपना आवेदन हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप हमको फटाफट भिजवा सकते हैं, फटाफट आपका रिसीविंग होगा, फटाफट आपका काम होगा। तो इसलिए इंतजार मत करिए, यहाँ सब जो हम लोगों की टीम के सदस्य हैं इनको दे दीजिए या मुझे व्हाट्सएप से भिजवा दीजिए, क्योंकि हम जनहित जनसेवा में लगे हुए हैं साथियों। इसलिए लूट खसोट और चरम सीमा पे है क्योंकि उल्टी घड़ी है, उनका मालूम है कि अब ऐसा साफ होने वाले हैं, आप लोग ऐसा उनके खिलाफ वोट देने वाले हैं कि वो 5 साल 10 15 साल नहीं आने वाले। तब जब आना हो आप व्हाट्सएप के द्वारा 9471316164566566। सांसद होने के नाते मुझे ये बात उठानी पड़ती है। दुखद बात यह है कि आज के समय जो रांची की जो सरकार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वो आज विकास के काम में फेल हो चुकी है। ये एक निकम्मी सरकार है, एक अयोग्य सरकार है, एक भ्रष्ट सरकार है। जो आपके विकास के काम होने चाहिए वो आज के समय एकदम ठप पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? कोई काम करवाना हो आप लोग टीम के द्वारा कराइए, मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं आऊं आप मुझे आवेदन दीजिए, हम लोग जरूर उस पर काम करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, व्हाट्सएप नंबर भी अगर आप लिख लीजिए
आपको मेरी इंतजार करने की जरूरत।